नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN नाइन न्यूज। आज कल आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे हमारे देश में और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर उनका स्वागत किया। यहां तक कि कई ऐसे समझौते हुए जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छे साबित होंगे और एक विकास के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वहीं देखा जा रहा है कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति को सैर कराया, गंगा की सैर कराई और वहाँ का जो माहौल, कहते हैं कि वो कहते थे कि माँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी को कहीं ना कहीं माँ गंगा ने भी बुलाया होगा। लेकिन जिस तरीके से चाक चौबंद वहाँ इंतज़ाम किए गए थे, जो नाले थे, जो गंगा में नाले डाले जाते हैं उनकी जिस तरीके से उनकी व्यवस्था अलग की गई थी कि उनको वो चीज़ें नज़र ना आए जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नकारात्मकता देश के लिए प्रकट हो। आपको बता दें कैसे इन यात्राओं ने अपना महत्व खुद घटा लिया है। लेकिन फ्रांस, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी विदेशी दौरे पर अक्सर जाते रहते हैं और विदेश दौरे पर न्योता देकर खुद आ जाते हैं और वहाँ के कहीं ना कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी देश का दौरा करने के लिए आते रहते हैं। खैर, ये एक नीति है और इस विदेश नीति को बहुत अच्छी तरीके से बाखूबी प्रधानमंत्री मोदी ने निभाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने विश्व के कई ऐसे जो देश हैं, कई ऐसे देश होंगे जहां वो नहीं गए होंगे, वरना सारे देश उन्होंने घूम डाले। फिलहाल उनकी एक विदेश नीति है क्योंकि फ्रांस के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे समझौते किए हैं, जैसे कल सौर ऊर्जा का प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया। तो एक ये सकारात्मक पहलू है कि जिस समय हम राजनीति के दौर से, राजनीति के पैचे में पड़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अलगाव बकते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम तंज कसते रहते हैं, लेकिन जब देश के लिए कोई सकारात्मक चीज़ें होती हैं तो एक अच्छा माहौल पैदा होता है। भारत और फ्रांस के संबंध वे रूप लेते जा रहे हैं। कहते हैं कि जो कभी भारत और रूस के थे, हालांकि आजकल शीत युद्ध का माहौल नहीं है और दो महाशक्ति खेमे में भी नहीं बनते हुए, लेकिन चीन का उदय पश्चिमी महाशक्तियों के लिए एक आघोषित चुनौती बन गया है। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं फ्रांस से जिस तरीके से, जिस देश से भारत के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, हालांकि अमेरिका है, जो अमेरिका है उसका रुख कुछ अलग तरीके से तय नहीं हो पाता है। अमेरिका अपने कब किसी का हाथ थाम ले, कब किसका छोड़ दे, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जिस तरीके से फ्रांस के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो डीलिंग की है, जो साझेदारी में जिस तरीके से, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो किसी चाहे वो देश की किसी समान व्यवस्था के लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन एक पहलू ये भी माना जाएगा कि कहीं ना कहीं फ्रांस अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं हमारे देश को ठग तो नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रोजगार और जो चीज़ें हैं वो फ्रांस मुहैया कराएगा भारत के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फाइनेंशियल है, जो इकोनॉमी है, वो बढ़ती जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि कमाई का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है भारत, इस समय फ्रांस की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस की कमाई होती रहे और हमारी ठगाई होती रहे। और कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लोग कहते हैं फ्रांस ने कहीं ना कहीं अपनी चतुर नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी को ठग लिया है। और यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से योजना बनी है, जिस तरीके से डीलिंग हुई है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा देश ठगा महसूस कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है खास। आजकल विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
टके सिर भारत आ चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा का कोई मौका नहीं चूकते। ऐसे में इन यात्राओं ने अपना महत्व खुद घटा लिया है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यह प्रथम भारत यात्रा ऐतिहासिक बन गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन का उद्घाटन करने भारत आए, लेकिन इस यात्रा ने भारत की विदेश नीति का एक नया आयाम खोल दिया है। भारत और फ्रांस के संबंध वे रूप लेते जा रहे हैं जो कभी भारत और रूस के थे। यानी कि आजकल शीत युद्ध का माहौल नहीं है और दो महाशक्ति खेमे में भी नहीं बने हुए हैं, लेकिन चीन का उदय पश्चिमी महाशक्तियों के लिए एक अघोषित चुनौती बन गया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए आजकल अमेरिका भी भारत की पीठ थपथपा रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका का अनौपचारिक गठबंधन दो असमान राष्ट्रों के बीच है और फिर डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं, जबकि भारत और फ्रांस दोनों महत्तम शक्तियां नहीं माध्यम शक्तियां हैं। पुरानी संस्कृत की कहावत भी है कि जब दो लोगों के सील और व्यसन समान होते हैं तो उनमें मित्रता अच्छी निभती है। इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट दिलाने के मामले में फ्रांस का समर्थन हमेशा दो टूक रहता है। अब मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हुए 14 समझौतों का सार ये है कि ये दोनों राष्ट्र सामरिक, व्यापारिक, तकनीकी और शैक्षणिक दृष्टि से एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि इस नजदीकी को लगभग गठबंधन भी कहा जा सकता है। दोनों राष्ट्रों के बंदरगाहों का, सैन्य सुविधाओं का और विविध सैन्य सहायता का दोनों देश परस्पर उपयोग करेंगे। दोनों राष्ट्रों ने इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध खुली लड़ाई का संकल्प किया। चीन की ओबोर महापथ योजना का नाम लिए बिना दोनों ने उसे रद्द किया है। हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने की घोषणा दोनों ने की है। भारत ने 58,000 करोड़ रुपए के 36 लड़ाकू रेफेल जेट विमान भी खरीदे हैं। इनकी आसमानी कीमतों का लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। जैतापुर में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर भी शुरू करने का आश्वासन फ्रांस ने दिया है। ये सब तथ्य बहुत आकर्षक है, लेकिन हम ये ना भूलें कि भारत इस समय फ्रांस की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस की कमाई होती रहे और हमारी ठगाई होती रहे। जी हाँ बिल्कुल, कहते हैं जैतापुर में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर भी शुरू करने का आश्वासन फ्रांस ने दिया है, और ये सब तथ्य बहुत आकर्षण है, लेकिन हम ये ना भूलें कि भारत इस समय फ्रांस की कमाई का बहुत बड़ा जरिया बन रहा है। आपको सीधे तौर पर बताया जाए कि अगर फ्रांस कोई भी चीज़ मुहैया देश के लिए कोई कुछ चीज़ें तैयार करके भेजता है या फिर देश के उद्योग के लिए कुछ चीज़ें सोचता है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी कहीं ना कहीं इकनॉमी को लेकर के, चाहे वो कहा जाए कि फ्रांस के लिए एक आकर्षण जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कमाई के रूप में बहुत बड़ा स्रोत बनता जा रहा है भारत, और फ्रांस जब कोई चीज़ें भारत के लिए करेगा तो कहीं ना कहीं ये देखना बिल्कुल बनता है कि फ्रांस ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भारत से करेगा भी। और यही बात ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को, जिस समय कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी चतुराई से इन सारी चीज़ों का आकलन करते हैं कि क्योंकि विदेश नीति के तौर पर अगर देखा जाए तो फ्रांस या फिर उनसे संबंधित जो देश है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आज तक गए हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध बने हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में सबसे अच्छी अगर मजबूत पैठ बनाई है तो वो विदेश नीति को लेकर के है, क्योंकि विदेश नीति में उन्होंने इतनी निपुणता हासिल कर ली है कि सारे दुनिया के जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए नतमस्तक हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की ये खूबी पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें वाही वाही बटोरी जा रही हैं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने जो देश था अमेरिका था जो उन्हें वीज़ा नहीं देता था आज वो वीज़ा देने के लिए तैयार है। तो हमें राजनीति से कुछ हटकर सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।